हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में एमबीए के लिए एडमिशन लेनी है तो आपने अभी से क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, किस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, इट विल बी कैट, स्नैप, जैट, एनमैट, आईएफपी, बीसीटी, सीमैट, व्हाटएवर एग्जाम यू वांट टू अपीयर फॉर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने प्रोफाइल बिल्डिंग किस तरीके से करना चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपने क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव अहेड, इफ यू वांट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ एमबीए, प्रिपरेशन फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड टू द प्रोफाइल बिल्डिंग, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलो दोस्तों, इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपको MBA करना है 2023 में, सो मई मंथ, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द मई मंथ, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 26th ऑफ अप्रैल, सो इन फ्यू डेज मई 2022 विल स्टार्ट। सो दिस इज द आइडियल सिनेरियो और आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम और द एग्जाम डेट डज नॉट मैटर, ठीक है, चाहे वो एग्जाम कैट रहे जो नवंबर में कंडक्ट होता है, चाहे वो एग्जाम एनमैट रहे जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपेयर कर सकते हो आप, चाहे वो एग्जाम स्नैप रहे जो दिसंबर जनवरी में कंडक्ट होता है, चाहे वो जैट रहे, जो भी एग्जाम रहे, नाउ इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट। वैसे भी कोई महापुरुष ने बोला है कि नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग, करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट नहीं होता है कि अब मुझे स्टार्ट करना है, मुझे एमबीए करना है। लोगों का आपको ये पता होता है कि मुझे एमबीए करना है, लेकिन किसमें करना है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, जो फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है वो फील्ड में स्कोप है भी कि नहीं, कौन सी अच्छी कंपनीज है, कौन से जॉब प्रोफाइल्स है मार्केट में, उसके अलावा कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो जहाँ पे ये प्रोफाइल्स या ये फील्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मुझे मिलेगा एंड मुझे बेस्ट पैकेज मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने टॉप डाउन अप्रोच से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि आपको जाना कहाँ पे, करेक्ट। आपने सबसे पहले तो कोर्स टारगेट करना चाहिए, जैसे आजकल तो बहुत सारे रेगुलर जो 4 कोर्सेस होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन सिस्टम्स, ये छोड़ के भी बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने पहला अपना इंक्लिनेशन देखो कहाँ पे है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइंड होता है एंड देन लुक फॉर सम कोर्सेस, फनल डाउन अप्रोच करना, करेक्ट। जिस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे एमबीए करना है, इतना सारा ऑप्शन है एमबीए करने के लिए, इतने सारे ढेरों कॉलेजेस है इंडिया में, मोर देन 50,000 एमबीए कॉलेजेस आते हैं, तो आप कोई भी कॉलेज से करोगे क्या, नहीं। इसके लिए पहले आपने कोर्स सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद वो कोर्स कौन से कॉलेज में अच्छा है वो रिसर्च करना है। ये रिसर्च हम लोग भी करके देंगे, लेकिन हमारे भरोसे पे रहोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज हमें बहुत सारे काम होते हैं, हमारे सेशंस लेने होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के 1-to-1 गाइडेंस करने होते हैं, अभी एमबीए सीईटी का सीजन चल रहा है तो उनके 1-on-1 मॉक एनालिसिस बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो सब के बेसिस पे हमें ये करने में शायद टाइम ना मिले। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, थोड़ा एफर्ट्स खुद को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपको कौन से कोर्स में एमबीए करना है, आपका इंक्लिनेशन कहाँ पे है, उसका बेस्ट कॉलेज कौन सा है, देन बेस्ट कॉलेज तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट। बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करने के बाद वो कॉलेज कौन से एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है, जैसे IIMs आर द ओनली कॉलेजेस व्हिच एक्सेप्ट ओनली वन एग्जाम कैट एग्जाम, जैट XLRI इज द ओनली कॉलेज व्हिच एक्सेप्ट्स ओनली वन एग्जाम, लेकिन बहुत सारे टॉप 30, टॉप 50, टॉप 70 में कॉलेजेस ऐसे हैं जो मोर देन 1, 2, 3 एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस तो अप टू 4 एग्जाम्स तक भी एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है या 2-3 कॉलेजेस आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो वो कॉलेजेस जो भी 3-4 कॉमन एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं, सब एग्जाम्स आपने सब एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपरेशन करनी चाहिए आइडियली, बिकॉज इट इज बेटर टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस रादर देन बैंकिंग ऑन ओनली वन ऑप्शन। तो अगर आपने अभी एग्जाम जीरो डाउन कर लिए, जैसे यूजुअली वी विल रिकमेंड दैट आपने कैट देन जैट, अगर आपको IIFT तो प्योरली फॉरेन ट्रेड्स के लिए है, अगर आपको HR के लिए जाना है तो पर्टिकुलरली TISNET, देन JBIMS, MHRD,
ये एग्जाम होता है इनका, इन्होंने भी रिसेंटली एग्जाम स्टार्ट किया खुद के एचआर प्रोग्राम के लिए। देन अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में जाना है ओनली, देन MBA CET। अगर आपको अक्रॉस इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस में जाना है तो CMAT। ये चार पांच एग्जाम्स कुछ है, 1, 2, 3, 4। देन अगर आपको सिंबोसिस में जाना है तो स्नैप, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ NMIMS में जाना है तो NMAT। ये सब एग्जाम्स की भी लिस्ट मैंने आगे बताई है। तो आपने एग्जाम्स पे जीरो डाउन करना है, ठीक है। देन वो एग्जाम्स का मार्किंग स्कीम क्या होता है, यूजुअली सिलेबस क्या होता है, एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट करी जाती है, तो ताकि मैं यहाँ से आगे कितने दिन है मेरे पास ये आपको पता चले। करेक्ट, अभी आपको चेक करना है उसके बाद वेयर डू यू स्टैंड। हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि वेयर डू यू स्टैंड आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कोई भी रेस में आप दौड़ना स्टार्ट करते हो तो बाकी कॉम्पिटिशंस मेरी कॉम्पिटिटर्स मेरे कितने फास्ट भागते हैं वो मुझे चेक नहीं करना है। आपने सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वेयर डू यू स्टैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट योर ओन लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड आपको पहुंचना कहाँ पे है, फिर वो जो गैप है वो ब्रिज कैसे करेंगे, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड देन मंथ वाइज आई विल सिटी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ कॉलेज कोर्स एंड कॉलेज तो किस तरीके से करना चाहिए, सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्ट करो, कौन सा कोर्स आपको पसंद है, कहाँ पे आपका इंक्लिनेशन है। देन आपको वो कोर्स कौन से कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाता है, कम से कम 5 से 10 कॉलेज का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज आपको वो कॉलेज चाहिए, लेकिन आप वो कॉलेज को आप चाहिए कि नहीं, आपके जैसे प्रोफाइल का स्टूडेंट चाहिए भी कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। करेक्ट, अगर वहां पे प्रोफाइल फिट नहीं हो रहा है आपका तो आपने क्या करना चाहिए प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, आपके पास टाइम तो बहुत है। करेक्ट, एंड देन फाइनली आप चेक करो जो फाइनल लीस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे इंटेक कितना है, सीट्स कितनी है, कैटेगरी वाइज इंटेक कितना है, फीस कितना है एंड डिस्ट्रिक्ट कितना है। करेक्ट, एक बार आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया तो इंटेक मैटर नहीं करना चाहिए डेली, जो भी सीट जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है आपको एक सीट सिक्योर करनी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एग्जाम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स को मैंने टीयर वाइज डिवाइड किए। टीयर वाइज कैसे डिवाइड किया, सब डिफिकल्टी वाइज होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे टीयर वन में वही एग्जाम्स कैटेगराइज करी गई है कैट सेट एटलांटिस ने, जो एग्जाम्स आपको एकदम टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन देगा। ये प्रोग्राम्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, कॉलेजेस के उनके हर एक प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया लेवल का है। उसके अलावा उनका ROI भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड वैल्यू विच विल गिव, जैसे कैट के थ्रू आपको IIMs मिलेंगे, जेट के थ्रू आपको XLRIs मिलेंगे, IIFT के थ्रू IIFT के 3 कैंपसेस मिलेंगे, TISNET के थ्रू TIS के कैंपसेस में एडमिशन मिलेगी। टीयर टू के एंड इसके अलावा ये एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल भी कंपेयर टू द अदर एग्जाम्स थोड़ा हायर लेवल होता है, TISNET का थोड़ा कंपेरेटिवली इजियर होता है एक्सेप्ट द HR पोर्शन। TISNET में प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत हायर नहीं होता है। टीयर टू के एग्जाम्स उस लेवल पे डिवाइड किए गए हैं जहाँ पे एग्जाम्स का लेवल ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल पे होता है एंड कॉलेजेस टॉप 10 to टॉप 30 तक मिलते हैं। टॉप 10 से लेके आपको 50 तक के कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे MBA CET में JBIMS, सिमसरी, वेलिंगकर, ये कॉलेजेस मिलेंगी। JBIMS MHRD का एक प्रोग्राम खुद का उनका उनका वही एक एग्जाम होता है। NMAT के थ्रू आपको NMIMS के कैंपसेस में एडमिशन मिलेगा, स्नैप के थ्रू आपको सिम्बोसिस के कैंपसेस में एडमिशन मिलेगा एंड CMAT के थ्रू आपको JBIMS, सिमसरी, GIM, गोवा, KJ सुमैया, देन बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे, सब बहुत सारे कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। And then tier 3 college exams जो है, ये exam हम लोग सब, these are the least recommended exams from our side, because ये exams के थ्रू ना तो आपको बहुत अच्छे colleges मिलने वाले हैं और ना तो इनका बहुत higher difficulty है। Last class में जब आप particular कोई college target कर लेते हो तभी आपने ये level के exams देने चाहिए कि सर मुझे बाकी सब exams हो गए, अभी मेरे पास एक तो मेरा difficulty बहुत high difficulty level का preparation करने की इच्छा नहीं है, या फिर मेरा mindset नहीं है, या फिर मेरे से इतनी difficult level के exams की preparation होगी नहीं। ये जब आपको पता चल जाता है तो आपने tier 3 exams के लिए preparation करना चाहिए, लेकिन direct tier 3 से मत start करो, keep your aims higher, at least CAT, SAT, NMAT, SNAP, CMAT से MBA CET से तो भी start करो, ठीक है, डायरेक्ट आईबी सैट एटमा वगैरह पे मत जाना, ओके। अगर अभी आपने एग्जाम्स फाइनलाइज कर दिए, आपको पता चल गया कि इतने सारे एग्जाम्स में से मुझे 5 से 6 एग्जाम्स देनी है, तो यूजुअली एक
दो देन थ्री फोर स्नैप कंपलसरी नहीं है, सब नहीं देना है, ये चार एग्जाम्स तो हम लोग कंपलसरी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अपनी अपनी चॉइस। देन अभी आपको एग्जाम्स पता चल गए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन से एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना अलग पैटर्न है, हर एक एग्जाम का अपना अलग सिलेबस है एंड हर एक एग्जाम की अपनी अलग मार्किंग स्कीम है। तो ये भी थोड़ा सा एनालिसिस आपने करना है। तो हर एक बंदे ने अपना अपना एनालिसिस करके रखो, एग्जाम्स के ऊपर सेपरेट, एग्जाम्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस तो हम लोग जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको जितना जल्दी स्टार्ट करना है उतना आपके लिए बेटर रहेगा कि खुद से एनालिसिस करो। तो एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सिलेबस पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम आपने चेक कर लिया। अभी आपके पास डेटा क्या क्या है कि आई नो विच कॉलेज आई एम टारगेटिंग, आई नो विच प्रोग्राम आई एम टारगेटिंग, आई नो फॉर विच एग्जाम आई हैव टू प्रिपेयर एंड अबाउट दैट एग्जाम आई नो द सिलेबस मार्किंग स्कीम पैटर्न एंड एग्जाम डेट, करेक्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने के पहले उसका सिलेबस। आपके पास सिलेबस है, प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल चुका है। नाउ इज द माइलस्टोन व्हिच यू हैव अराइव्ड दैट हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अलोंग अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। जैसे आपने एग्जाम का सिलेबस तो निकाल दिया, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कॉमन, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस वीएआरसी, क्वांट में अरिथमेटिक वगैरह सब एग्जाम में कॉमन होता है, जीके ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वीएआरसी तो सब एग्जाम्स में कॉमन होता है, सब कुछ वही पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है जरूर, ये सब हो गया एकेडमिक की बातें। अभी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो अपार्ट फ्रॉम जैसे कॉलेजेस, अभी अपने आई एम बैंगलोर का प्रोफाइल आपने सिलेक्ट कर लिया, आई एम बैंगलोर जाना, लेकिन आई एम बैंगलोर जाने के लिए क्या आपका प्रोफाइल सुटेबल है भी कि नहीं, आई एम बैंगलोर के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा, आई एम बैंगलोर स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट्स ऑल द कैंडिडेट्स व्हिच हु हैव अ बैलेंस्ड एकेडमिक्स, 10th, 12th, ग्रेजुएशन में सब में आपका टॉप मतलब अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा आपका 10th में बहुत अच्छा स्कोर है, 12th में नहीं है, ऐसा कैंडिडेट्स को, ऐसे प्रोफाइल्स को आईआईएम बैंगलोर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने अभी चेक करना है कि आपका एकेडमिक्स 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन क्या परसेंटेज पे है। उसके बाद डाइवर्सिटी, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस ग्रेजुएशन डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी को भी पॉइंट्स देते हैं, ये सब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो ये पॉइंट तो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, कॉलेज बाय कॉलेज वीडियोस बनाऊंगा, टॉप 30 to 50 कॉलेजेस का वीडियो बनाऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियोस फ्रॉम द मंथ फ्रॉम मे मंथ। फिर बहुत सारे कॉलेजेस का एक्सपेक्टेशंस होता है कि आपका क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एक बार चेक कर लेना है अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है ये सर्टिफिकेट्स आपने कलेक्ट करने हैं, अब एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर सर्टिफिकेट जो होते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन करो बहुत सारे, वो कोर्सेस करो, छोटे छोटे कोर्स के सर्टिफिकेशन करो, अच्छे अच्छे कोर्सेस करो, क्वालिटी कोर्सेस करो, ठीक है, जिससे आपको सच में सीखने को मिल रहा है एंड वो सर्टिफिकेशन को देना कहीं वैल्यू है भी, कुछ भी 500,000 2,000 में सर्टिफिकेशन मिल रहा है, फ्री में सर्टिफिकेशन मिल रहा है, इसलिए रेज्यूमे पे पॉइंटर बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट मत करो, ठीक है। सच में आपको जहां पे वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके पर्सनालिटी में, आपके नॉलेज में, तो ही वो सर्टिफिकेट्स करने हैं, उसके भी लिस्ट में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन आपके कोर्स का क्या इंक्लिनेशन है उससे रिलेटेड क्या सर्टिफिकेशन से उसका रिसर्च आपको खुद को ही करना है, मैं बताऊंगा तो जेनरिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ओके। नाउ व्हाट यू हैव डन इज you have identified where you have to go, you have also identified where you stand। abhi ye jo itna bada gap hai ye kis tarike se bridge kar raha hai, kya sirf profile building pe hoga, nahi, kya sirf academics pe hoga, nahi, academic matlab exam ka preparation ke bare mein baat kar raha hai, correct, nahi, आपको दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन लगेगा, दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन लगेगा। आपको कैट में 99% स्कोर करने के बाद भी कॉल नहीं आ सकता है और कैट में 90% स्कोर करने के बाद भी अच्छे आईएम से कॉल आ सकता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, जितना ज्यादा डाइवर्स एंड जितना ज्यादा डिटेल में आपका प्रोफाइल रहेगा, जितना ज्यादा ओवर अचीवमेंट ओवर अचीव प्रोफाइल रहेगा उतने ज्यादा चांसेस आपके पड़ेंगे अच्छे कॉलेजेस से कॉल आने के। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन ऑल द फ्रंट्स, आई एम नॉट सेइंग ओनली एकेडमिक्स, ऑन ऑल द फ्रंट्स, ठीक है।
नाउ लेट इस डिस्कस विद द टारगेट सेटिंग. दोनों फ्रंट पे हम लोग बात करेंगे. कैट 2022 के बारे में पहले बात करेंगे. यही मेजर एग्जाम है जिसके बेसिस पे हम लोग, जिसके रेफरेंस पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले तो प्लानिंग करो गाइस सब्जेक्ट वाइज. देयर आर थ्री मेजर सब्जेक्ट्स. एक है अपना VRC, सेकेंड सब सेक्शन आता है DILR, एंड लास्ट में सेक्शन आता है QA. तो अपना स्ट्रेंथ देखो, VRC के लिए डेली प्रिपरेशन चाहिए, DILR एंड QA के लिए डेली वन टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन VRC के आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन नहीं कर सकते. ये मेरे से लिख लो. इसको आप डेली रीडिंग जितना ज्यादा रखोगे अभी से उतना बेटर रहेगा. डेली रीडिंग फॉर VRC अभी से स्टार्टिंग फ्रॉम मे मंथ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5-6 महीने का रीडिंग जितना ज्यादा रखोगे डेली 45 मिनट्स अगर आप रीडिंग रखोगे तो कम से कम आपका इतना अच्छा लेवल का रीडिंग हो जाएगा कि आपका वोकैब, ग्रामर एंड RC सब अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. क्वालिटी रीडिंग करना है. मंथ बाय मंथ क्या करना है इसका वीडियो लोग बनाएंगे. सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग हो गया आपने कि भाई VRC का मुझे डेली प्रिपरेशन करना है. क्या प्रिपरेशन करना है? तो सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स या बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, इसके साथ साथ मुझे डेली एक RC भी सॉल्व करना है. तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू सॉल्व डेली 1 RCs. DILR पे LR का जो पजल्स आते हैं कैट में, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक दिन में अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लूँ और मुझे दूसरे दिन जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो आएगा, ऐसा नहीं होता है. उसमें जितना ज्यादा लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा उतना बेटर होता है. तो इसके लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है. वो भी आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. देन क्वांट में आप वीकली बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हो. जैसे वीकली 2 or 3 टॉपिक्स पिक करो क्वांट के, इनफ है. 2 or 3 टॉपिक्स पर वीक, मंथ वाइज आपके 7-8 टॉपिक्स हो जाएंगे, दैट इज मोर देन. क्योंकि क्वांट में बहुत ज्यादा 25-26 टॉपिक्स है, लेकिन जितना डिटेल में प्रिपरेशन करोगे उतना बेटर रहेगा. तो उस क्वांट में रश नहीं करना है. आपको डेली इनपुट्स चाहिए VARC एंड LR के लिए, एंड वीकली इनपुट्स चाहिए आपको QA एंड DI के लिए. DI भी आप LR के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो. डेली 1-2 सेट LR के करो, डेली 1-2 सेट DI का करो, एंड डेली 45 मिनट्स रीडिंग VRC के लिए रखो. क्वांट का वीकली 2-3 टॉपिक्स इनफ है, मोर देन इनफ है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो स्टडी प्लान में आपको मंथली बेसिस बताऊंगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफाइल के बारे में क्या करोगे? तो सिलेक्ट द कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस व्हिच यू वांट टू परस्यू इन मे एंड जून. कुछ 15 दिन के रहेंगे, कुछ 30 डेज के रहेंगे, कुछ 45 डेज के रहेंगे, कुछ 60 डेज के सर्टिफिकेशन कोर्सेस रहेंगे. आपने सिलेक्ट करने हैं जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसके एप्लीकेशन ज्यादा है, एंड जो कोर्स जितना वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा वो कोर्स आपको परस्यू करना है. सेम विल हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. ये 4 महीने बहुत गोल्डन पीरियड है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छे लेवल पे ऊपर करने के लिए. ठीक है. अगर आप जॉब करते हो तो इतना अच्छे से जॉब करो कि उसमें उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन करो ताकि आपको जॉब में और एक्सपर्टीज आए. अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट देन इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो अपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में और अच्छे से सर्टिफिकेशन करो या अच्छे से पढ़ो ताकि आपको इंटरव्यू में कुछ पूछे तो उसके ऊपर आपको जॉब देते आए. क्योंकि लास्ट में 15-20 डेज में अगर आपको कॉल आ गया, कैट का रिजल्ट आया, आपको कॉल आ गया, 2-3 महीने के अंदर आप पूरा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन नहीं कर सकते जितना आप अभी कर सकते हो अच्छे से. इंजीनियरिंग का बोला आपने ग्रेजुएशन का. ठीक है. तो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ प्लानिंग करने के, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का गोल्डन टाइम है. अभी स्टार्ट कर दो. स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर रेगुलर वीकली, मंथली एंड वीकली अपडेट्स. उसके अलावा कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक.